समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ गुजरी है, बहुत खराब हुआ, और तुम्हें लगा कि गुस्से से पेश आना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चारा होगा, एक जंगली जानवर जैसे। पर फिक्र मत करो, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अब चैन से जीने नहीं दूंगा। भूखे हो? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा, पर अभी नहीं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हें खाना कैसे मिलेगा। लेकिन हाँ, पर जब तुम करतब करोगे छल्लों पर आग लगी होगी, और अगर तुमने ध्यान दिया तो तुम जलोगे नहीं। अब तुम बहुत पछताओगे। एक बात पक्की है, इससे पहले जो तुम्हारा मालिक था उसे तुम्हें काबू में रखना नहीं आता था, बिल्कुल नहीं। मैं जाकर खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, यही रहना और उस जानवर से दूर रहना, ठीक से पेश आना वरना तुम्हारी खैर नहीं। उसे संभालना मुश्किल है, वो जिद्दी और सिर चढ़ा है, मुझे उसके लिए थोड़ा सा और वक्त चाहिए, वो खतरनाक हो सकता है। खतरनाक? ये तुम क्या कह रहे हो, ये एक सर्कस है, खतरे और जोखिम का घर। मैं चाहता हूँ ये हवाई भैंसा आज रात करतब करे। अगर तुमने आज ठीक से बर्ताव नहीं किया तो तुम बहुत पछताओगे। चलो चले, बाद में मिलते हैं दोस्त। भाइयों और बहनों, अब आपके सामने पेश है एक बहुत ही खास और बड़ा सा जानवर, जो इतना लाजवाब और अद्भुत है कि उसे इंसानी आंखों ने कई पीढ़ियों से नहीं देखा। तो दोस्तों, पेश है हवाई भैंसा। उठो उठो, सुस्त जानवर कहीं गए। भाग जाओ, अपनी जान बचाओ।